Mais Pep said, your bad seat, he said this. वेलकम टू श्वेता व्लॉग। तो आज हम आए हैं कैम्पफोर्ट। कैम्पफोर्ट क्यों आए हैं? क्योंकि यहाँ पे है शिवोहम शिवा टेम्पल विच इज वेरी फेमस इन बैंगलोर। एज यू कैन सी दिस इज द एंट्रेंस। यहाँ ये जो शिवलिंग है ये एक्चुअली 25 फुट का 7.6 मीटर्स का शिवलिंग है विच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इन बैंगलोर। और ये है शिवोहम शिवा टेम्पल और पहले इसे शिव मंदिर भी कहा जाता था। तो एक्चुअली ये है कैम्पफोर्ट के पिछले हिस्से में। एक्चुअली जब कैम्पफोर्ट बना था तो कैम्पफोर्ट और ये एक ही कंपनी चला रहा था, तो इट वॉज लाइक टुगेदर। तो एंट्रेंस यहाँ से भी था और कैम्पफोर्ट से भी था, बट नाउ द मैनेजमेंट हैज चेंज्ड एंड कैम्पफोर्ट अलग हो गया है एंड दिस टेम्पल हैज बिकम डिफरेंट। तो यहाँ पे है फुटवेयर सब छोड़ने का जगह। एंड एक्चुअली जब हम बहुत साल पहले मैं कॉलेज में थी तब आई थी एंड दैट टाइम कैम्पफोर्ट वॉज देयर एक्चुअली। एंड दिस टेम्पल वॉज लाइक फ्रॉम द इनसाइड, जब हम कैम्पफोर्ट के अंदर जाते हैं तो वहाँ से इसके लिए एंट्री था। तो अभी ये जो साइड में है लाइक दोस्तों डिडंट वांटेड टू गो टू कैम्पफोर्ट, डायरेक्टली जाना चाहते थे तो उनके लिए ये बना था। यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा होर्डिंग्स लगाया गया है लाइक अबाउट शिवा एंड ऑल, सो विच लुक्स रियली गुड। एंड रेनबो लाइट तो इट इज लाइक डिफरेंट वाइब। और एक्चुअली जो आगे दिख रहा है इट वॉज लाइक ए स्ट्राइट एंट्री, बट नाउ दे हैव मेड इट बिट डिफरेंट। लाइक यहाँ से कट हो जाता है और पार्किंग यहाँ से था एक्चुअली, तो पार्किंग से होते हुए आपको जाना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस। सो ये है पार्किंग कैम्पफोर्ट के लिए भी यही है। तो यहाँ से एंट्री बनाया गया है। देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस ड्यू टू मैनेजमेंट इश्यूज आई थिंक। एंड यहाँ पे दे आर गिविंग एंट्री एज ऑफ नाउ। मे बी सम रिपेयर वर्क भी होगा, आई डोंट नो, बट एज वी केम इट वॉज द एंट्री। तो यहाँ पे एंट्री के लिए जब आप आते हो तो दे विल गिव यू ऑफर्स लाइक आप टिकट खरीदना चाहते हो कि नहीं। तो इफ़ यू आर बाइंग द टिकट देन देर आर 400 रुपीस का पूरा पैकेज टेम्पल का पूजा के लिए, नहीं तो 150 आप खरीद सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट टू बाई ए टिकट देन यू कैन कम हियर एंड टिल दिस गेट जो यहाँ पे है मंदिर का एंट्री जैसा दिख रहा है, यहाँ से खड़े होके आप देख सकते हो बट अंदर नहीं आ सकते, दैट इज द डिफरेंस। तो हमने लिया है 150 का पैकेज का पूजा का टिकट, क्योंकि आई डिडंट वांटेड टू गो इन टू डेप्थ पूजा फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। किड्स जो है वो इम्पेशेंट हो जाते हैं। सो दिस इज अ बेसिक पूजा थिंग। ये है पहला वाला पूजा विच इज अ चैंटिंग पूजा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे काफी ब्रॉन्ज पॉट्स रखे गए हैं। तो ये क्यों रखे गए हैं? ये इसलिए क्योंकि यहाँ का जो ये पॉट है ये हमें दिया जाता है व्हेन वी शो द टिकट। तो इसको लेके हम जब आए जाएंगे यहाँ पे 108 चैंट्स हम यूजुअली करते हैं, तो ये वही है। इंस्टेड ऑफ चैंटिंग यू कैन जस्ट पुट 1-1 ये रुद्राक्ष जो है ये इसमें एक एक डाल के जाना होता है एंड बाय द एंड ऑफ द पॉट्स इट विल बी 108। तो इट इज अ काइंड ऑफ न्यू, ये नहीं था पहले। एंड आफ्टर कॉलेज आई थिंक ओनली वंस आई हैड कम वेरी वेरी लॉन्ग टाइम बैक। दैट टाइम भी ये सब नहीं था, थोड़ा बहुत चेंजेस हुए थे, बट दिस इज आई रियली लाइक्ड इट। और इसके साथ एक ऑरेंज धागा भी दिया जाता है, सो एंड में उसे बांधना पड़ेगा। सो इफ यू डोंट काउंट ऑल्सो एट द एंड ऑफ द पॉट जो हम जाते हैं तो दैट शुड बी 108। सो अगर कम पड़ेंगे तो आप वहाँ से मांग के ले सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और यहाँ पे एक लिंक भी है जिसको आप अभिषेक कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक
एक्चुअली यहाँ से था एंट्री, सो इसे ब्लॉक किया गया है. और यहाँ पे एक ट्री रखा गया है जहाँ पे वो ऑरेंज धागा आपको बांधना पड़ेगा एंड दैट विल टेक आउट ऑल योर प्रॉब्लम्स, ऐसा माना जाता है. एंड यू कैन सी देर वॉज एंट्री, मैंने कहा था वहाँ पे है. और यहाँ पे है बना है गणेश जी का स्टैचू. ये है एक्चुअली 32 फीट का गणेश जी. इट वाज मेड ऑन 1st March 2003 और इसको इनॉग्रेट किया था दादा जेपी वासवानी जी. तो दिस इज अ बिग गणेश टेंपल आइडल इन बैंगलोर एज वेल. और वहाँ से जो मैं दिखाई दे रहा है तो वहाँ से था एंट्री इसके लिए. तो आई वॉज शोइंग माई किड्स कि यहाँ से हम आते थे एंड ऑल दैट. तो एक्चुअली शिव जी का टेंपल इतना चेंज नहीं हुआ है, बट जो वहाँ पे अरेंजमेंट्स है वो सब थोड़ा चेंज हुआ है. तो यहाँ से खड़े होके आप देख सकते हो यहाँ का एक एंट्री है, ये है पंचलिंग का और ये है पूरा टेंपल का व्यू फ्रॉम टॉप. तो ये पूरा टेंपल का व्यू है एंड यू कैन सी इट इज सो वंडरफुल. और शिव जी का जो बड़ा स्टैचू है ये है 65 फीट का और ऑलमोस्ट 20 मीटर्स का. और ये है ओल्ड एयरपोर्ट रोड HAL में, वहां पे है ये मंदिर. और इसे स्टार्ट किया गया था 1994 में और कंप्लीट हुआ था 1995 में. तो अब हम एंटर हो चुके हैं पंचलिंग के दर्शन के लिए, या व्हाट डू यू कॉल इट लाइक. तो यहाँ से शुरू होता है पंचलिंग दर्शन जो बनाया गया है. इट लुक्स लाइक रियली फैब. आप देख सकते हो मिनिएचर बनाया के रखा गया है, हरिद्वार है ये. तो यहाँ से अगर आप आगे जाएंगे तो दिस इज लाइक ए टनल ऑफ यू नो का केव. सो केव के अंदर जाने का फीलिंग आपको मिलेगा. और जो मैं तो नहीं गई हूँ किसी भी धाम में, तो इफ यू cannot go or if you have not gone then this is the best miniature look of the real जो है धाम्स उसका. तो यहाँ पे टनल भी बना है का है एंड मंदिर वो सब फील आता है और हैंगिंग ब्रिज भी है वहाँ पे. सो इट इज वेरी फैब. और थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा, ये है बद्रीनाथ. सो क्योंकि इट इज लाइक वेरी स्टीप है, एज यू कैन सी यहाँ पे सब कुछ बनाया गया है एंड इट इज बिट डार्क. लाइट वहाँ पे मल्टी लाइट लगाया गया है, बट इफ यू वांट टू वॉच योर स्टेप्स इट्स बेटर टू स्विच ऑन द मोबाइल एंड गो. सो यहाँ पे आप ये टच करके उनको फील करके उन गॉड को प्रे कर सकते हैं, भगवान जी से मन्नत मांग सकते हैं और यू कैन फील द वाइब्स. तो ये है अगला डेस्टिनेशन जो है केदारनाथ. सो केदारनाथ में है अभी हम. तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा रियल वन तो पता चलेगा इट इज ए मिनिएचर ऑफ द रियल वन. सो इट इज सो नाइस कि जो वो वहाँ पे है वो तो हम जिन्हें जा नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे ही दर्शन कर लेंगे. इट्स लाइक भक्ति तो भक्ति है, कहाँ पे भी आप दिखा दो. और ये है शिवलिंग जो आइस में बनाया गया है. सो ये देखो आप सोमनाथ का सॉरी अमरनाथ का है ये. सो अमरनाथ में जो आइस से बनता है वैसे ही इन्होंने बनाया गया है इसको. और वहाँ पे हमने कॉइन भी स्टिक किया गया किया हमने मन्नत लाइक इफ यू कैन विश एंड यू कैन स्टिक. और ये जो है केव का फीलिंग जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इट लुक्स रियल. और यू शुड बी वेरी कॉशियस ऑल्सो, गिर सकते हो. इट इज वेरी यू नो स्मॉल स्पेस और स्टीपी, सो इट्स बेटर यू ऑन द लाइट एंड गो. तो थोड़ा अच्छा सा व्यू चाहिए तो आप लाइट लगा के जाओ एंड यू विल बी सेफ ऑल्सो. तो यहाँ से हम बाहर निकलेंगे तो आप देख सकते हो ऑलरेडी यू कैन सी द लाइट. सो यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं एंड एज सून एज वी गो आउट तो यहाँ पे है एक्चुअली और थोड़ा स्टेप्स. तो अल्टीमेटली वील गो आउट और यहाँ पे एक लिंग है जहाँ पे आप दूध का क्षीर सागर
जैसे बोलते हैं तो उसका अभिषेक कर सकते हैं. तो एवरीवन हैज डिफरेंट टिकट, सो ऑल द थ्री ऑफ अस डिड दिस. सो एक एक टिकट का एक पूजा आप कर सकते हो. तो आपको पूछना पड़ेगा, दे विल नॉट आस्क यू. इफ यू जो जस्ट शो द टिकट, दे विल गिव यू द मग एंड यू कैन डू द अभिषेक एंड टेक द ब्लेसिंग. मिल्क अभिषेक तो हो गया हमारा, अभी हम जा रहे हैं. तो अगर आपको मनी डालना है तो इसके अंदर डाल सकते हो. और यहाँ से शुरू होता है 12 प्लेसेस का दर्शन. सो अगेन वी आर इन द गुफा. तो यहाँ पे भी मिनिएचर बनाया गया है, जो 12 लिंक्स है इंडिया में, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हो. एक एक का मिनिएचर बना के रखा गया है. दिस इज नॉट टचेबल, तो इसे प्रोटेक्ट किया गया है ग्लास से. तो यू कैन जस्ट सी इट एंड एंजॉय इट, नॉट टच इट. तो यहाँ पे है, आप देख रहे, आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि ये कहाँ का है और ये किसका मिनिएचर यहाँ पे बना के रखा गया है. तो वी आर जस्ट मूविंग अहेड वन बाय वन एंड इट लुक्स रियली फैब. मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड एक्चुअली किड्स भी एंजॉय कर रहे हैं. पहले जब मैंने बताया था कि टेम्पल जा रहे हैं तो दे वर नॉट सो हैप्पी एज यूजल. किड्स आर किड्स, तो उनको लगा था वो टिपिकल सा टेम्पल होगा. बट यहाँ पे आने के बाद उन्हें अच्छा लग रहा है. इट इज लाइक एडवेंचरस, क्योंकि गुफा के अंदर लेके जा रहे हैं. तो दे आर वेरी हैप्पी कि वो बोल रहे थे कि हम बोरिंग सा कोई टेम्पल में जा रहे हैं, ऐसे लग रहा था यह तो एडवेंचर हो गया. सो यहाँ पे एक नारद जी का बड़ा सा स्टैचू है, उसके सामने अगेन देर इज लाइक डिफरेंट लिंक्स. तो यहाँ अगर आप देखेंगे, बहुत ह्यूमन साइज का बनाया गया है बड़ा वाला. ये नारद जी का है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो डिफरेंट लिंक्स माउंटेड. अब थोड़ा टाइम है तो आप इसको पूरा पढ़ के जा सकते हो. इन बिटवीन देर इज अ स्लाइड, वहाँ पे पूरा 12 लिंक्स का डिस्प्ले है. देर यू कैन डू पूजा, बट वी वर डूइंग पूजा सो आई कुडंट रिकॉर्ड दैट. तो यहाँ पे शिव जी का भी एक बड़ा सा स्टैचू है. तो यहाँ से निकलते निकलते आपको बहुत ही अच्छे अच्छे मिनिएचर जो प्लेसेस का है. तो टोटली इफ यू आर नॉट ट्रैवल टाइप ऑफ पर्सन, तो आपको ओरिजिनल नहीं देखना है, सिर्फ वो वाइब्स चाहिए, तो यहीं पे आके आप देख सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली टेक द ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड. तो ये नहीं है कि आपको जाना ही है. इफ यू कम हियर एंड परफॉर्म द पूजा, इट इज ऑल्सो इक्वल टू दैट वॉट आई फील इफ यू रियली कांट गो. तो इसके बाद हम एक्चुअली नियर टू बाहर भी जा रहे हैं. तो एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका आइडिया आया था RMV ग्रुप्स को. उनको ये बनाना था, दे वांटेड टू क्रिएट अ वेरी गुड एंड बिग शिवजी का स्टैचू इन इंडिया. बट उनको पहले जब ये आइडिया आया था तो उनको कुछ आइडिया नहीं था कैसे करेंगे, इतना डोनेशन चाहिए, जगह चाहिए, वो सब. सो इट इज ऑल अ वाइब्स फ्रॉम द गॉड. जब भगवान को आना होता है तो वो ही राह दिखाता है, ऐसे कहते हैं ना. तो वैसे ही हुआ. तो उनको कहीं कहीं से फंडिंग आने शुरू हो गए एंड दे गॉट द बेस्ट प्लेस. तो अगर जब हम गुफा से बाहर आते हैं तो यहाँ पे एक और टिकट लेते हैं और इस काउंटर में दे'ल गिव यू वन बाउल में एक कैंडल देते हैं और तिल का पोटली देते हैं और एक कॉइन देते हैं विच यू हैव टू कलेक्ट. तो देन वेट इन द क्यू. तो सबको परफॉर्म करना है तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट टू स्टैंड इन लाइन. सो यूजुअली आफ्टरनून टाइम अगर आप जा रहे हो तो इट विल बी इजी बिकॉज क्राउड विल बी लेस. मॉर्निंग और इवनिंग बहुत ज्यादा होता है. सो एज यू कैन सी पीछे भी there are steps to go up because in Shivratri they do a lot of pujas. और यहाँ पे नंदी जी, गणेश जी और लक्ष्मी जी का भी
स्टैचूज है. सो ये है मानस सरोवर मिनिएचर. तो अगर इफ यू नो दैट कैलाश शिव जी का घर है तो वहाँ पे मानस सरोवर भी है. तो इफ यू इट इज लाइक विशिंग लेक. तो इफ यू विश एनीथिंग यहाँ पे स्टैंड होके द मिरेकल स्पॉट पे स्टैंड होके आप जो भी मन्नत आपको चाहिए वो आप मांग के इसके अंदर एक्चुअली आप वो कॉइन डाल सकते हो. सो दे हैव केप्ट अ टेबल टू पुट कॉइन्स ऑन दैट पर्टिकुलरली, क्योंकि अगर ये लेक में गिरेगा तो निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, वो इसलिए रखा गया है. बट स्टिल यू कैन पुट इन द लेक ऑल्सो. तो दिस शिव जी का जो 65 feet का ये स्टैचू है इसको स्कल्प्ट किया था काशीनाथ जी ने. सो एक्चुअली पहले इसका नाम था शिव मंदिर, बट इन 2016 दे चेंज्ड इट टू शिवोहम शिवा टेम्पल. तो ये है इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री. और इसका जो शंकुस्थापन हुआ था वो श्रृंगेरी जी श्रृंगेरी का श्री शंकर आचार्य ने किया था 26 फरवरी 1995 को. तो वंस यू ड्रॉप द कॉइन देर इज वन साइड जो मानव सरोवर है उसके साइड का जो एडजस है वहां पे अच्छा सा एक जगह बनाया गया है टू लिट द फ्लोटिंग दियास. तो यहाँ पे आप अपना जो भी आप मांगना चाहते हो उसको मांग के यू कैन लाइट द कैंडल एंड कीप इट हियर. वहां पे आप देख सकते हो टिन में दिया लटका गया है, तो इसको लिट करके आप यहाँ पे रख सकते हो. सो इट इज लाइक सो वंडरफुल ना, दे हैव डिजाइन इट सो वेल एट दैट टाइम ओनली कि मानस सरोवर के जो एडजस्ट में ये सब करना है. एंड इट इज सो थिंकफुल, इट लुक्स सो नाइस दैट फ्लोटिंग दियाज. और लाइक रात को अगर आप आएंगे तो इट लुक्स रियली रियली फैब. तो इसके बाद आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टैंड इन क्यू टू गो एंड टच एंड फील द स्टैचू. तो आप अगर उनका ब्लेसिंग्स लेना है तो वहां पे खड़े होके आपको फोटो खिंचाना है. तो यू हैव टू टेक सम टाइम एंड डू दैट. मानस सरोवर के अंदर भी एक शिवलिंग है एंड पीपल विल बी टेकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स हियर. सो यू शुड बी वेरी पेशेंस होने चाहिए क्योंकि देयर विल बी लॉट ऑफ क्यूज एंड पीपल विल बी टेकिंग लॉट ऑफ पिक्चर्स. सो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू क्लिक सम पिक्चर्स. तो मैं खड़ी ओके वहां पे खिंचा रही थी तो सारा ये ट्रैवलिंग ग्रुप लोग आके खड़े हो गए. बट अगेन आई हैव टू चेंज द प्लेस फॉर सिंगल पिक्चर एंड यहां से पूरा वो उसको कैप्चर करना बहुत ही टाइम लेता है बिकॉज इट इज वेरी मैग्निफिसेंट. दिस मैग्निफिसेंट जो स्टैचू है इसके साथ यहाँ पे एक्चुअली एक और स्मॉल टेम्पल भी है. तो यहाँ पे भी पूजा कराया जाता है. सो ऑल ओनली पूजा 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 यू विल बी डूइंग. सो इन शिवरात्रि इफ यू कम मॉर्निंग एंड नाइट में यहाँ पे पूरा अभिषेक के साथ पूजा होता है. एंड दिस इज द प्लेस यू कैन लिट द अगरबत्ती. तो वो भी मिलता है आपको टिकट में. तो वंस यू फिनिश स्टैचू का पिक्चर्स ये सब तो यहाँ पे लेन जाता है आपको, ले जाते हैं तो वहाँ पे आपको कलेक्ट करना पड़ता है अगरबत्ती को. और ये है हवन कुंड जहाँ पे लाइक यू कैन पुट फेरेस एंड यू कैन सी इफ एंड इफ यू वॉन्ट टू परफॉर्म सम अवंस तो यहाँ पे वो कराया जाता है. तो वी आर जस्ट पुटिंग सम राउंड्स अराउंड इट टू गेट द वाइब्स. सो एंड यूजली अगर हवन या कुछ पूजा आपने मन्नत मांगी है तो ये सब है तो यहाँ पे कराया जाता है. सो दिस इज लाइक दिस यहाँ पे आग है एंड दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन सिट एंड मेडिटेट. सो बहुत ही अच्छा जगह है मेडिटेट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए और स्टैचू देखने के लिए. तो एक्चुअली हम यहाँ से उतर के जहाँ पे हम राउंड लगा रहे थे हवन कुंड के चारों ओर, तो वहां से अगर आप निकल के इफ यू वॉन्ट टू गो टू द सीटिंग एरिया यू हैव टू पास दिस. सो दिस इज द गेट वेर यू कैन स्टैंड एंड सी द शिवजी लिंग स्टैचू, शिवजी का स्टैचू जो बिना टिकट के आते हैं तो ये व्यू उनको मिलता है. तो टिकट लेके अगर आप अंदर आएंगे तो इट इज अ ब्यूटिफुल वे ऑफ डूइंग पूजा.
तो दिस इज ऑल रुद्राक्ष का डेकोरेशन. यू कैन यू सी रुद्राक्ष का बड़ा बड़ा बॉल बना के यहाँ पे टंगाया गया है, विच लुक्स रियली फैब. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा. और यहाँ है अगरबत्ती का स्टैंड. सो अगरबत्ती बहुत ही बड़े बड़े दो अगरबत्ती देते हैं वहाँ पे. एंड दिस इज द प्लेस वेर यू कैन लिट द अगरबत्ती. इज द स्मेल द अरोमा फील्स वेरी नाइस वाइब्स. मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है अगरबत्ती या धूप जो भी आप लगाते हो. एंड इट गिव्स अ रियली नाइस वाइब टू मेडिटेट और टू प्रे. तो अभी हम उसे चढ़ा रहे हैं. एंड यू कैन सी देर इज लॉट ऑफ सैंड जहाँ पे आप उसे लिट करके वहाँ पे आप स्टैप कर सकते हो. सो दिस इज हाउ इट इज. एंड यू कैन प्रे टू गॉड एंड पुट धूप और इट इज डन. सो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा ऐसा. एंड व्हेन इट इज लाइक टू मच दे विल रिमूव इट. और उसके बाद आप यहाँ पे आके बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो. एंड आई रियली लाइक दिस चेयर्स. इट इज़ लाइक यू नो फ्लोर पे ही बैठ रहे हो बट यू डोंट फील दैट यू आर सिटिंग ऑन द फ्लोर. इट इज़ सो कम्फी. और बैक स्टैंड भी है तो यू कैन सिट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम इफ़ यू आर मेडिटेटिंग. और जब भी पूजा या सब बहुत टाइम लगता है तो इट इज़ वेरी इजी टू सिट ऑन दिस. एंड इवन बैक स्टैंड है तो यू कैन रिलैक्स आराम से एंड सिट. सो दिस इज द एरिया यू कैन सिट और डू प्रेयर और एनीथिंग. तो बहुत ही बड़ा जगह है एंड यू कैन सी द स्टैचू एंटायरली फ्रॉम हियर. सो वी क्लिक्ड फ्यू पिक्चर्स और उसके बाद ये ग्लोब के अंदर चले गए. तो ये है नवग्रह का टेम्पल. नवग्रह का पूजा यहाँ पे होता है. तो दिस ऑल्सो यू कैन डू बाई यू ऑल सेल्फ. कुछ ज़्यादा करना नहीं है. यू हैव टू जस्ट पुट 3, 5, or 9 राउंड्स अराउंड दिस एंड यू हैव टू जस्ट टेक द ब्लेसिंग. और जो भी हमें वो तिल का पोटली दिया था उसको यहाँ पे रख देना है. सो दिस इज हाउ इट इज. और यहाँ के बाद वो जो भी टिकट में था वो सब पूजा खत्म हो जाता है. एंड दिस इज द वे आउट. सो यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है. यू हैव टू गो अराउंड द ग्लोब टू गो आउट ऑफ इट. तो ये है पूरा एक राउंड जैसा हो जाता है. एंड यस लाइक यू नो वंस यू फिनिश ऑल दिस पूजा इट विल बी रियली रियली रिलैक्सिंग और अच्छा भी लगता है. और यहाँ पे ज़्यादा शॉप्स भी है. दिस इज द एंट्रेंस आई वॉज टेलिंग. तो वहाँ से निकल के हम नीचे आते थे यहाँ पे. सो दिस इज द टिकट वेयर दे विल टेक ऑल द पूजास टिकट्स. सो यहाँ पे स्टॉल्स भी है, बहुत सारे स्टॉल्स भी है जिसमें आप शॉपिंग कर सकते हैं. पहले एंट्रेंस के पास भी था बट नाउ आई थिंक बिकॉज बच्चे भी आते हैं तो दे विल स्टार्ट क्राइंग एंड होल्डिंग ऑल द आर्टिकल्स एंड एंटरिंग द टेम्पल विल बी वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फॉर अदर्स ऑल्सो. सो इट इज गुड दैट दे हैव शिफ्टेड ऑल एट द एग्जिट गेट. सो यहाँ पे थैंक यू भी लगा के रखा है. सो दिस इज द एंट्रेंस आई मीन एग्जिट ऑफ द टेम्पल. तो यहाँ से आप घूम घूम के बाहर निकलोगे एंड लॉट ऑफ शॉपिंग यू कैन डू. देर आर बुक्स फॉर सेल्स एंड मेनी अदर थिंग्स फॉर सेल्स. सो वो सब शॉपिंग करके आप जा सकते हो. नहीं तो यू कैन जस्ट डू विंडो शॉपिंग एंड एंजॉय द सिनेरियो. तो यहाँ से बहुत एक्चुअली बुक्स यहाँ पे रिलीज होते हैं एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू स्टडी और रीड देन यू कैन एक्चुअली बाई देम. सो यहाँ से एक बड़ा सा एग्जिट डोर के पास हम जाते हैं जहाँ पे लॉट एंड लॉट ऑफ शॉप्स आर देयर एज यू कैन सी. सो अगेन देयर आर शॉप्स. सो यहाँ से यहाँ पे भी बहुत कलरफुल थिंग्स मिलते हैं खरीदने के लिए. बच्चों को तो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स को वो भी कुछ खरीदना है तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो. दिस लुक्स रियली फैब. एंड अल्टीमेटली यहाँ पे खाने के भी चीज़ें हैं जैसे ऐसे आइसक्रीम सोडा सब मिलता है. तो इफ़ यू वांट टू बाय एंड ईट आल्सो यू कैन डू दैट हियर. तो फाइनली वी आर ऑलमोस्ट आउट यहाँ से एंड इट वाज रियली नाइस. चप्पल लेके हम जा रहे हैं. थैंक्स फॉर